नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी एक ऐसी संस्था जिसको वेटरन लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने स्टार्ट किया था और इस जिद से स्टार्ट किया था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से एनडीए जाएं, क्योंकि वो खुद एक्स एनडीए 60th कोर्स थे और साथ में वहीं नेशनल डिफेंस एकेडमी में उनकी दोस्ती हुई उनके एक बहुत खास दोस्त कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर से, जो उनके डिमाइस के बाद त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एसएसबी को मेंटर कर रहा है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज इस सेशन में हम लाए हैं अपने मेंटर कैप्टन एसके सिंह सर को, जो एनडीए 1 2024 के बच्चों से बात करना चाहते हैं, उन बच्चों से जो एनडीए 1 2024 देंगे, जिनके लिए ये 6 महीने जीवन के अनमोल 6 महीने बनने वाले हैं। सर स्वागत है, आप सबका भी स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। अक्सर मैंने आपको आपके स्टूडेंट से बात करते हुए देखा है, मेरे फादर के अंदर भी ये चीज़ होती थी कि वो घर पे अपने स्टूडेंट से बात करते थे जो एक्स जो सेलेक्ट होके गए हैं, जो एनडीए में हैं, एनडीए की ट्रेनिंग कर रहे हैं, चोरी छुपके कभी वो कॉल कर रहे हैं, कभी संडे को कॉल कर रहे हैं, और आपको भी मैंने देखा है कि संडेज को कॉल आती थी क्योंकि आप संडेज के सेशन में रहते हैं। आपके बॉन्डिंग सर अभी भी उन स्टूडेंट से बनी है? सर बिल्कुल बनी है, जिन बच्चों को अगर आपने रास्ता दिखाया, बच्चे आजकल इतनी रखते हैं वैल्यू कि अगर आपने उनको सही रास्ता दिखाया है तो दे विल ऑलवेज रिमेन इन टच विद यू। स्टूडेंट्स की सर ये खास बात होती है, बहुत अच्छी बात कि मतलब मैंने फादर के डिमाइस में देखा था कि ग्रुप कैप्टन रैंक तक के भी ऑफिसर्स का फोन आया जो उनके स्टूडेंट्स रह चुके हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कर्नल रैंक के, ग्रुप कैप्टन रैंक के स्टूडेंट्स फोन कर रहे हैं, हम लोग स्टूडेंट्स कह रहे हैं बट वो हैं तो अफसर, और वो भी ग्रुप कैप्टन एंड कर्नल रैंक के। सर मैंने अक्सर आपको एसएसबी में होमवर्क करते हुए बहुत देखा है सर, बहुत देखा है कि आप एसएसबी के बैचों के साथ उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप खुद जीटीओ एक्सपर्ट हैं, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, अलग अलग टास्क करा रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल पे भी हजारों वीडियोस आपकी एसएसबी पे हैं सर। ये पहली वीडियो है जहाँ पे आपने बात करी है या बात करना चाह रहे हैं कि अब आप एनडीए के रिटन प्रोग्राम को भी मेंटर करना चाहते हैं। आप मन में आया सर ऐसा कि गलती कहाँ हो रही है, थोड़ा सा और बेसिक से जाया जाए? अच्छा मतलब आपने वीडियो बनाने से पहले मेरे से ये कहा था कि अभिनव यार इस वीडियो के बाद मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि रिटन बैचेस में जो पास रेट है वो कम से कम 20% टच करूँगा मैं। हाँ सर बिल्कुल, तो करना चाहिए सर। कुछ भी बोलने से पहले, वो भी फौजी अफसर कुछ बोलता है तो मेरे को पता है क्योंकि उस फैमिली से हूँ, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलता है, तो थोड़ा बहुत आपके करना पड़ता है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे आप एनडीए 1 2024 के बैचेस को त्रिशूल में मेंटर करना चाह रहे हैं? मतलब क्या सिर्फ रिटन? देखिए सर मैं आपको स्टूडेंट्स की साइकी बताऊंगा क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के बीच में रहता हूं। जी, स्टूडेंट्स कहते हैं सर एसएसबी तो ठीक है भैया, पहले रिटन तो क्लवर्स करें, जब 4 लाख 5 लाख फॉर्म भर रहा है तब 8,000 बच्चा क्वालिफाई कर रहा है रिटन। ये बड़ी गलत फहमी है सर रिटन भी बहुत अहम चीज है सर। सर रिटन बहुत अहम चीज है मैं मानता हूँ, लेकिन आप एक बात बताइए, बहुत मेहनत से अगर बच्चा रिटन पास करके गया और पहले दिन स्क्रीन आउट हो गया तब क्या वो उसके साथ इंसाफ है? नहीं है। उसकी जितनी मेहनत उसने की है वो 1 सेकंड में टूट जाते हैं सपने सर, बिल्कुल पानी में चली गई। मैंने डिप्रेशन में जाते हुए देखा है स्टूडेंट्स को, है ना, देखा है। तो पर्पस क्या है, जब आप अपना ऑब्जेक्टिव ढूंढते हैं तो फिर आप लास्ट कहाँ फिनिश करने वाले हैं वो भी तो मायने रखता है। इट इज़ नॉट वन स्टेप। अब क्या है कि मैं इस चीज़ के लिए थोड़ा सा शायद आप इसको अदरवाइज ना ले तो क्या है, ऑनलाइन में फीस गिरा करके पढ़ा दिया, रिटर्न हुआ ना सर उसके आगे,
उसके बाद आते हैं फिर एसएसबी के बच्चे। और कब आते हैं? जब रिटर्न पास कर लेते हैं और उसके बाद जो एक महीने का टाइम आता है उस एक महीने में कई तो डेट लिंक तक बैठे रहते हैं और उसके बाद ओवरनाइट जो वो मिरेकल देखना चाहते हैं कि साहब किसी एक इंस्टीट्यूट में जादू की छड़ी रखी हो, जाते ही वो घुमा दें और हम ऑफिसर बन करके निकल आए। तो ये तिलिस्मी दुनिया से बाहर आना पड़ेगा इनको पहले। तो जब मेरे होमवर्क का पहला जो मेरे दिमाग में आई बात वो यही थी कि भाई अगर आज से 8 महीने बाद आप एसएसबी दोगे, रिटर्न जरूरी है। एनडीए के रिटर्न का सर अगर आप कभी देखिएगा कट ऑफ इतना हाई नहीं गया कि बच्चों के लिए चैलेंज लगा हो, है ना। कंपटीशन है, यूपीएससी का कंपटीशन है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन जो अगर आप एनडीए के पेपर को ध्यान से देखें, जिसने 10th तक की पढ़ाई के कॉन्सेप्ट क्लियर रखे अपनी लाइफ में उसको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। फिर आती है तो मैथ्स के एक दो पार्ट हैं, कैलकुलस कोऑर्डिनेट जो बाद में ऐड होता है वो आप 11th में पढ़ के आ रहे हैं, नहीं पढ़ के आए हैं तो आप उसका भी रेशियो उठा करके देख लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि एक वजह से आप बैलेंस पेपर तो है, पेपर है। इस पे सर बहुत चर्चाएं हुई हैं सर, आर्ट्स वाला भी पेपर दे रहा है, बायो वाला स्टूडेंट भी पेपर दे रहा है, कॉमर्स वाला भी दे रहा है, मैथ्स वाला भी दे रहा है, सबके लिए बैलेंस रखा है इस पेपर को। अगर ऐसा होता कि आपका मैथ्स का पेपर बहुत टफ बनाना होता तो आर्ट्स वालों की एलिजिबिलिटी यूपीएससी खुद ही रोक देता। ऐसा किया नहीं उन्होंने, बिल्कुल नहीं किया, नहीं है ना किया। तो ये मेरी चर्चा चल रही थी यही 11th फाउंडेशन से जी, कि बैलेंस पेपर है ये, बिल्कुल बैलेंस पेपर है सर, और आराम से रिटर्न पास करते हैं अगर आपने ध्यान से और स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई की है। मतलब क्या पढ़ रहे हैं आप, वीक भाग नहीं रहे इधर उधर, ये नहीं कि आप 6 घंटा 8 घंटा पढ़े जा रहे हैं और उससे सिलेक्शन आ जाएगा। ये बहुत सारे लोग समझाते हैं, या तो लोगों ने अब देखिए पढ़ाई के नाम पर फीस गिरा दी, पढ़ाई के नाम पर बिल्डिंग दिखा दी, पढ़ाई के नाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा, उससे थोड़ी ना रिजल्ट आ जाता है भाई। रिजल्ट आपकी पढ़ाई से आता है, पढ़ाई कितनी स्ट्रक्चर्ड है और उस पढ़ाई के साथ साथ आप अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए कर क्या काम रहे हैं। एक बच्चा आप जानते हैं 6 महीने से वो बेचारा हिंदी बोले जा रहा है, बिल्कुल कमजोर है, बिल्कुल कुछ है। आप बच्चे को छेड़ना नहीं चाहते, क्यों नहीं छेड़ना चाहते? क्योंकि आपको फीस मिल रही है। और 8 महीने बाद जब वो बच्चा जाता है और स्क्रीन आउट हो जाता है तो आपसे मिलता नहीं है, वो तो अपने निराश होकर घर चला गया, आपका काम चलता रहता है, 6 महीने बाद दूसरे आ जाएंगे, दूसरों को ऐसे कर लिया जाएगा। मगर क्या ये आपकी नैतिक जवाबदारी नहीं बनती थी कि 6 महीने अगर आपके सामने एक बच्चा बैठा है क्लास के अंदर, उस क्लास में उस बच्चे को ये कहा जाए कि बेटा आज तुम नहीं कर रहे हो कल पछताओगे इसके चलते? इस मॉडल को आप कैसे पलटेंगे सर? एक बैच में त्रिशूल में 40 बच्चा है जो एनडीए 1 2024 को का रिटर्न फेस करेगा जी, आपकी क्या क्या अपेक्षा है उस बैच से? रियलिस्टिक अपेक्षा सर हम बात करेंगे, क्योंकि आपकी एक एक मुंह से निकली जबान को बहुत लोग फॉलो करते हैं सर। सर देखिए 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसको समझना पड़ेगा, बड़े बेसिक से हम बात करते हैं कि हर एक इंस्टीट्यूट बड़ी आइडियलिस्टिक बात करता है और वो आइडियलिज्म सिर्फ कब तक होता है? जब तक एडमिशन नहीं है तब तक का आइडियलिज्म होता है ना। वो काउंसलिंग के टाइम पर जो आता है कि आप फीस जमा कर दें किसी तरीके से, तब तक हम सारे सपने, बेसिकली क्या है कि वो एक सपना दे दिया एक यंगस्टर को, यंगस्टर भी खुश हो गया उस समय। अच्छा, यंगस्टर को भी ये लगा कि भाई मैं बहुत कुछ कर ले जाऊंगा और वो आउट ऑफ ऑर्डर कुछ नई चीज़ करने जाता है। पढ़ाई हमेशा जो होती है वो पेनफुल होती है, जर्नी जो आपकी सक्सेस की जर्नी होती है, आप बड़े से बड़ा नाम उठा के देख लीजिए सर, पेनफुल है सर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम देखेंगे, पेनफुल जर्नी थी। आप नारायण मूर्ति साहब की जर्नी देखेंगे, बड़ी पेनफुल थी। रतन टाटा साहब की जर्नी देखेंगे, बिल्कुल पेनफुल थी। जिसने पेनफुल जर्नी नहीं देखी है वो सक्सेस नहीं हो सकता है, उस पेन से गुजरना पड़ेगा। ये सहूलियत में जीना चाहते हैं। अगर सहूलियत पीछे के ज़माने में, आज हम कहते हैं ना भगवान राम जी को खुद ही नहीं पता था कि वो भगवान है। अगर राम जी को ये पता होता कि वो भगवान है तो दशरथ के घर में क्यों पैदा होते? वो कहते मैं तो भगवान हूँ। और कौन सी ऐसी दिक्कत थी कि यार क्या नहीं कर सकते थे, व्हाट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम अगर वो भगवान होते? मगर उन्होंने काम किया, ये बाद में उनको भगवान हमने मान लिया। क्यों? वो जो संघर्ष दिखा, वो जो उनके स्टेप्स दिखे, वो जो उनका जीवन दिखा, वो सब कुछ बहुत था। और मजे की बात आप देखिए कि वो एक राजघराने में पैदा होकर के भी विश्वामित्र के साथ आश्रम में पढ़ने गए थे। ऑर्डिनरी लाइफ, जमीन से जुड़े जहां जमीन पे सोना पड़ता था, सब कुछ था। वो तो राजा के बेटे थे। हमारे यहां समस्या क्या है? कोचिंग का मतलब है जो
नॉर्मल आता है वो एबनॉर्मल हो जाता है बिल्कुल अपने आप आते ही, कहता हमने तो फीस दे दी है, अब वो पेनफुल जर्नी रह नहीं गई उनके लिए। इंस्टीट्यूट पहले तो ये चीज़ ध्यान रखे कि उस पेन में उस कंफर्ट से बाहर निकाल पाता है उस बच्चे को, नहीं निकाल पाता है, उसको ये एहसास कराना पड़ेगा कि इट इज़ नॉट दैट इजी व्हाट यू आर थिंकिंग। रिटन पास कर लेना 3 घंटे की क्लास लगा करके, 4 घंटे का सपना बेच करके, और उसके बाद कह देना कि आज ही तुम्हारा एनडीए हो गया, वो एनडीए बड़ी मेहनत से कर भी लेगा। आप रिटन के नाम पे क्या कर लेते हैं, 8 घंटे बढ़ा देते हैं ओवरनाइट क्लास में, तो देखता हूँ मैराथन क्लास, पता नहीं महा मैराथन क्या क्या चलने लग गया आजकल, इसकी जरूरत क्या है भाई, कौन सा एथलीट बनाना है उसको, नाम देते हैं सर है, ऐसे ऐसे भयंकर नाम लिख दिए है ना कि प्रचंड बैच, पता नहीं कौन कौन सा बैच। सर आप मुझे बताए, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मगर उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव है वो उनको खुद भी क्लियर है। ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि एक बच्चा 50 मिनट से ज्यादा एक साथ पढ़ते हुए ग्रास्पिंग नहीं रख सकता है, वो 50 मिनट के बाद उसको 5 मिनट का ब्रेक चाहिए, मैक्सिमम 50। आप उठा के देख लिए पूरा एजुकेशन सिस्टम को, 40 मिनट के बाद आपका एक पीरियड खत्म हो जाता है स्कूल में, और एक ब्रेक होता है, टीचर शिफ्ट होता है, दूसरा टीचर आता है, क्यों, क्योंकि वो भी जानते हैं वो सब कुछ टेस्टेड है। अब इन्होंने क्या किया, उठा करके बना दिया 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की क्लास, बच्चे का माइंड हो गया कोलैप्स। अब मैं कहता हूं कि जितने लेट नाइट स्टडी करते हैं ना, दे कैन बिकम आईएएस ऑफिसर बट दे कैन नॉट बिकम आर्मी ऑफिसर। तो क्या आखिर फिर से वही सवाल कि इन 40 बच्चों को आप कैसे मेंटर करेंगे? दो चीजें होने वाली हैं सर, एक तो हर एक बच्चे को आपको वो जो अटैचमेंट होता है कि हर बच्चे को पहले समझिए, ये नहीं कि आपने भीड़ की तरह बिठा दिया, कोई आ रहा है कोई जा रहा है आपको पता भी नहीं क्या हो रहा है। हर बच्चे के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, कौन क्या कर रहा है, किसका क्या सेगमेंट वीक है, कितना काम करना है। अगर आपने उसके बेसिक्स को नहीं क्लियर किया, वो एनडीए का रिटर्न निकालेगा कैसे ये बताइए। आप तो सबको पढ़ाते चले गए और उसमें से कितना क्वालिफाई हुआ, आप ये कहते हैं कि हमारी सक्सेस रेट बहुत अच्छी है, बट पीछे जो अटेंडेंस है वो कितनी है, ये भी तो देखना होगा। सक्सेस हमेशा रेशो से गिनी जाती है, नंबर से नहीं गिनी जाती है। अगर किसी के पास हम कहते हैं कि 100 लोग हैं और 100 में से 50 पास हो गए तो उसका रेशो बहुत अच्छा है, बजाय इसके कि कोई कहता है कि मेरे पास 6,000 हैं और उसमें से 600 पास होते हैं। वो 50% वो 10% का जो रेशो है उसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो बच्चे तो ये एक मास उसमें चले गए, अच्छा उसके बाद इस 6 से 8 महीने के बीच में उसके ऊपर वर्क क्या किया आपने अपार्ट फ्रॉम दिस, क्या उसके आपने एक्सप्रेशंस के ऊपर बात की। 6 महीने में वो बच्चा अपनी बात खुल के रख नहीं पा रहा है तो ये इंस्टीट्यूट की जवाबदारी नहीं आई है। करना चाहिए था ना सर, एटलीस्ट उसके अंदर वो चीज जगानी चाहिए थी। अ गुड टीचर इज नॉट अ टीचर हु इज हैविंग गुड नॉलेज, क्योंकि अगर नॉलेज नहीं है तो वो टीचर बनने का अधिकार ही नहीं रखता है, वो टीचर ही नहीं है फिर। नॉलेज से क्यों आंक लिया, नॉलेज होती नहीं है, नॉलेज है इसलिए वो टीचर है। लोग सोचते हैं फला टीचर को बहुत नॉलेज है, फला टीचर को बहुत नॉलेज है, नॉलेज नहीं होती तो वो टीचर ही क्यों बनता, पहले तो मेरे को ये समझे। ये कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, नई बात तब होती जब किसी टीचर को नॉलेज नहीं होती, वो शायद नई बात हो जाए, वो नई बात होती। तो टीचर को नॉलेज है, बट अ गुड टीचर इज अ टीचर हु कैन जनरेट इंटरेस्ट ऑफ अ यंगस्टर इन टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में उस बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करने वाला व्यक्ति बेहतर टीचर होता है। चलिए सर यहाँ तक समझ गया मैं कि आप थोड़ी थोड़ी बातों से लगा कि आपने बेसिक्स पे काम किया, आपने बॉडी लैंग्वेज पे काम किया, आपने इंग्लिश पे काम किया, ये तो सर बहुत लोग कर रहे हैं, मतलब नहीं वो नाम पे कर रहे हैं सर मेरे ख्याल से, मुझे अगर नाम आप, अगर नहीं होता आप, तो अभी तक ये चीज़ें जो है सामने आ जाती। क्या है, हमने ये कह दिया कि हम काम करते हैं, इसका मतलब क्या ये काम कर लिया, नहीं, वो काम अगर होता तो वो काम दुनिया को दिखाई देता है ना। ये बातों की दुनिया और कर्मों की दुनिया अलग अलग चलती है, तो ये आप अगर कर्म वाला जो दुनिया है, ये टीचर्स को, बच्चों को, पेरेंट्स को, आपको, मुझको कैसे पता चलेगा किसका ग्राफ सुधर रहा है, किसका ग्राफ बैठ रहा है, कौन क्या कर रहा है? सर फीडबैक देना जरूरी है, उस बच्चे को देना जरूरी है, इसमें हर किसी की जवाबदारी तय है इस बैच में। बिल्कुल, अगर पेरेंट्स की जवाबदारी, पेरेंट्स को भी मैं इसलिए थोड़ा सा बोलता हूँ कि पेरेंट्स खुद व्यापार करते हैं, पेरेंट्स को 50% ऑफ दिखेगा तुरंत एडमिशन, पेरेंट्स को
सहूलियत मिल गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर मिल गया, अच्छा है, हमारा बच्चा खुश है। आप ये बताइए, बिजनेस की शुरुआत तो आप ही ने की है। अगर आपने बिजनेस की शुरुआत की है और इंस्टीट्यूट वाले ने बिजनेस कर लिया तो उसने बुरा क्या किया? बिजनेस की शुरुआत तो इन्होंने की थी। आप क्वालिटी पे कभी क्यों नहीं बात करते हैं? तो पहले तो पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है, बड़े शब्द कहना आसान है मगर कभी कभी आपने एक्नॉलेज किया कि ये शब्द कितने हद तक सही है, कभी उस व्यक्ति को काउंटर चेक करने की कोशिश की कि साहब आपकी बात में गहराई है कितनी, है ना। और उसके बाद फिर दूसरा आता है टीचर का, टीचर तो की मेंटरिंग को भी चेक करेंगे। बिल्कुल चेक करेंगे सर। तो क्या आप इस बैच में कोई नए टीचर्स लाएंगे? सर टीचर सारे अच्छे हैं, टीचर्स मैंने कहा ना कि टीचर नॉलेज के ऊपर कभी आंखें नहीं जा सकता है। टीचर तो अगर नॉलेज नहीं है तो वो टीचर बनने लायक नहीं है। तो आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट कि हमारे जितने टीचर्स हैं, हमारी जो फैकल्टी है, वो सब नॉलेजेबल है और बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, रिजल्ट आपके इसलिए आ रहे हैं। बट अब इस रिजल्ट को थोड़ा बढ़ाना है। अब दूसरी चीज़ क्या आ गई, तीसरी जवाबदारी बनती है कि जो मैनेजमेंट है, मतलब आप मेरे ऊपर, आपके ऊपर, मेरे ऊपर, सबके ऊपर आएगा सर, बंदूक तार ले, मेरे ऊपर भी आएगा, सबके ऊपर आएगा, है ना। उसके बाद फिर आता है बच्चे खुद के ऊपर, बच्चा भी इससे बाहर नहीं जा सकता है। आप अभी मुझे बता रहे थे कि इसमें आप होमवर्क कल्चर चालू करेंगे स्कूल वाला। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो पर डे वाला जो काम है, आप एक रूटीन लाइफ जीना है। एनडीए के अगर आज से 8 महीने बाद, मैं बिल्कुल दावे से कहता हूं कि किसी बच्चे को अगर 8 महीने बाद अपना सपना पूरा करना है तो पढ़ाई के अलावा उसे और बहुत काम करना होगा जो आप इसमें डालेंगे। बिल्कुल ऐड करना है सर। एनडीए के बच्चे को हर हालत में कुछ भी हो जाए, दिन में 1 घंटा खेलना जरूरी है। खेलने के लिए एनडीए के बच्चे को कभी भी ये नहीं कि टाइम मिल गया, बैट उठाए चले गए, क्रिकेट खेल लिया और हो गया काम, टाइम पास नहीं कर सकता। ही मस्ट लर्न सम हैबिट्स। गेम्स आपके टाइम पास से ज्यादा सिखाने वाली चीज है। जिसने गेम सही ढंग से खेला होगा उसका ग्रुप बिहेवियर कभी गलत नहीं मिलेगा आपको जी, उसकी वो टीम स्पिरिट देखेगी, आगे काम आएगा इनके। ऑन द नेम ऑफ गेम्स इट कैन नॉट बी ओनली फ्यू गेम्स जो बिल्कुल गली क्रिकेट जैसे। मैं क्रिकेट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में बहुत पसंद किया जाता है, देखा जाता है, मैं खुद भी देखता हूँ। एसएसबी बोर्ड में क्रिकेट को महत्व मिलता है? नहीं, बहुत नहीं मिलता है, अनलेस कोई बहुत अच्छे लेवल पर ना खेल के आया हो। अच्छा, आप स्टेट लेवल खेले हैं, आर्मी की अपनी 2-2 टीम है, तो मतलब ये आर्मी रेड टीम, आर्मी ग्रीन टीम इंडिया में चल रही है, खेलते हैं। अच्छा, और उसके बाद भी आर्मी वो एक चीज देखती है कि भाई क्रिकेट के अलावा और क्या कर सकते हैं। जो क्रिकेट खेलता है उसके, आप देखिए कभी इंडियन क्रिकेट टीम को, ये क्रिकेट खेलते हैं मगर उसके बाद वॉलीबॉल भी खेलते हुए नजर आएंगे आप, ग्राउंड पर प्रैक्टिस करते हैं, फुटबॉल खेलते हुए कोहली साहब अक्सर होते हैं कि नहीं होता है। तो सर गेम्स का मतलब आप ओवरऑल जो ओवरऑल टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट का मतलब, तो मतलब एनडीए 1 2024 एस्पिरेंट्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में स्पोर्ट्स भी खेलेंगे? खेलेंगे सर। और मजे की बात ये होती है कि ये कोचिंग करने के बाद, सपने के साथ जीने के बाद, 8 महीने बाद इनसे आप पूछिए कि व्हाट इज योर हॉबी, हॉबी नहीं पता इन्हें, अच्छी हॉबी नहीं डेवलप कर पाया बच्चा अपनी लाइफ में। ये दो ऐसी चीज होती है जो आपकी मेंटल हेल्थ को, आप कभी PIQ फॉर्म उठा करके देखिए सर, स्पोर्ट्स का कॉलम और स्पोर्ट्स के कॉलम के ठीक नीचे हॉबी होती है, होती है, है ना। और ये दो ही ऐसी चीज है जो किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को दर्शाती हैं शारीरिक के साथ साथ तुरंत। ठीक है, हॉबी में तो शारीरिक नहीं जुड़ा मगर दोनों 100% श्योर है कि ये दोनों किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को दिखाती हैं। जो दोनों क्लोज क्लोज इसीलिए रखा गया है कि आपको किसी व्यक्ति को नॉर्मल रैंडम चेक करना है ना कि इसका क्या लेवल है, कहीं नई बातचीत हो रही है उससे, आप ऐसे किसी नए बच्चे से बात हो रही है, आप उससे दो चीज पूछ लीजिए, विच गेम डू यू प्ले, व्हाट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन इन योर टीम, सेकेंड व्हाट इज योर हॉबी, हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम। उतने में बच्चे का लेवल समझ में आ जाता है कि यार ये क्या कर पाएगा लाइफ में। मतलब मैं अमेज्ड हूँ सर, मुझे ऐसा लगा कि आज इस वीडियो में आप बात करेंगे पढ़ाई पढ़ाई, मैथ्स मैथ्स मैथ्स, इंग्लिश, वो मेरे को एक चीज़ समझ आ गई कि वो अलग है सर। वो तो है ही, उसके बगैर जब तक आप पहली सीढ़ी पे चढ़े नहीं हो, छत के ख्वाब देख रहे हैं तो वो तो गलत ख्वाब है ना। मगर आप पहली सीट भी जाकर के अटक गए, पैर में मोच आ गई, तो छत तक कैसे जाओगे, फिर नीचे आ जाओगे, फिसल गए वहीं से। क्या इस बैच में आप SSB की क्लासेस साथ साथ देंगे? गाइडेंस,
आई नॉट से क्लास गाइडेंस, गाइडेंस साथ साथ हो, क्योंकि एसएसबी पढ़ने जैसा कोई विषय भी नहीं है। आई एम सॉरी, हम अगर किसी व्यक्ति को सही ढंग से गाइड कर दिया जाए कि तुम्हें ये काम है, ऐसा काम है, तो उसका बिहेवियर, उसका व्यक्तित्व 8 महीने बहुत है सर बदलने के लिए। कैसे आप तोड़ेंगे? आपको पता है फ्रंट ऑफिस में त्रिशूल डिफेंस अकेडमी में पेरेंट्स कहते हैं कि एसएसबी एसएसबी बाद की बात है, पहले रिटर्न की बात। तो सर क्यों करा रहे हैं फिर? कराने नहीं चाहिए ना, अगर एसएसबी एसएसबी बात की बात है तभी तो आप फेलियर एक्सेप्ट करके चल रहे हैं ना, आप फेलियर एक्सेप्ट करके चल रहे हैं, फिर आप क्यों इंस्टीट्यूट्स को ब्लेम करते हैं? ये एक्सेप्टेंस तो पेरेंट्स ने खुद डाल रखी है, पहले एसएसबी करा दो और उसके बाद फिर देखेंगे। पहले रिटर्न करा दो, पहले रिटर्न करा दो, है ना, देखेंगे। अब रिटर्न के बाद कौन सी जादू की छड़ी रखी है इंस्टीट्यूट में कि आप कहते हो अब एसएसबी करा दो? पहले आपने क्या कहा? रिटर्न करा दो, फिर आपने कहा एसएसबी करा दो, फिर आप कहेंगे मेडिकल करा दो, फिर आप कहेंगे मेरिट लिस्ट बनवा दो। अरे भाई, पार्ट में टुकड़े टुकड़े में कितना बांट देंगे आप एक गोल को? जब आपकी जर्नी एक बार फॉर्म भरने से शुरू होती है, वो जर्नी खत्म तब होती है जब वो नेशनल डिफेंस अकेडमी में पैर रख लेता है दरवाजे के अंदर, तब तक ये जर्नी असुरक्षित है। बहुत दिन बाद आपने बिल्कुल वही बात की जैसे मेरे फादर करते थे कि 360 डिग्री पर्सनालिटी पे काम करना पड़ेगा सर, करना पड़ेगा, ओवरऑल काम करना पड़ेगा। बाद में बुरा तो बहुत लगता है कि सर 400,000 लोगों ने भरा और 395 एकेडमी में पहुंचे, हम में क्या कमी रह गई थी। अरे भाई, अगर ऐसा तो नहीं है कि एकेडमी खाली है, एकेडमी भरी हुई है, ज्यादा ही है, ज्यादा ही है। आपको भाई एशिया का सबसे बड़ा डाइनिंग हॉल वहां बना हुआ है, 2100 कैडेट बैठ के खाना एक साथ खा रहे हैं, तो एकेडमी कहाँ खाली है? अब अपनी तरफ देखो ना कि हम क्यों नहीं जा पा रहे उस एकेडमी में। अगर सर कमियां, मेरी एक कमी को अगर एक इंसान ना समझ पाए जी, तो मुझे उस आदमी के ऊपर गुस्सा आ सकता है कि यार इसकी समझ का फेर है, ये मुझे समझ नहीं पा रहा है। मगर जब मेरी चीजों को दुनिया में 10 लोग 20 लोग 50 लोग ना समझने लग जाए तो मेरे में प्रॉब्लम, तो फिर अपनी तरफ देखो ना कि मेरे अंदर क्या कमी है, लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम तब भी 50 लोगों की तरफ देखते रहते हैं, प्रॉब्लम ये है। अभी तक त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने 650 से ज्यादा कमीशन ऑफिसर्स फौज को दे दिया, हर एनडीए के बैच में मिनिमम 2 स्टूडेंट्स तो गए गए। इस मॉडल से आपको क्या लगता है कि एनडीए 1 2024 ऑनवर्ड्स त्रिशूल का कॉन्ट्रीब्यूशन एनडीए में कितना बढ़ जाएगा? सर इन परसेंटेज में नहीं बोलूंगा, मगर हाँ ये जरूर मैं आपको बताऊं कि अगर बच्चा इस तरीके से काम करेगा तो फाइनल जर्नी का रेशो हमारा बिल्कुल अच्छा दिखाई देगा लोगों को, और वो रिजल्ट दिखाएगा। सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ सर, बिल्कुल बोल रहा हूँ कि ये बच्चा मेहनत करे बसरते, ये ना हो कि आकर के आपने बस, वो एक होता है ना कि भाई हलवाई की मिठाई अच्छी है तो अब तो हम जाकर के खा के कहेंगे बेकार बन गई, वो तो खराब चीज हो गई। आपने अगर कहा है कि आपको ये चीज करनी है तो आप भी ईमानदारी से, लाइफ आपकी है, दुगनी मेहनत आपको करनी है। वी वर्क लाइक अ कोच, आप एथलीट हैं, आपको कदम कैसे उठाना है, कहाँ रखना है, कैसे दौड़ना है, कौन सा दौड़ना है, स्ट्रेच में कौन स्पीड कितनी बढ़ानी है, ये सिखाया जाता है। बट आप ये कहेंगे नहीं दौड़ भी आप लीजिए हमारे चक्कर में और फिर बाद में मेडल हम पहनने पहुंच जाएंगे, ये नहीं होता है ना कहीं, दौड़ना आपको पड़ेगा, मेहनत आपकी ज्यादा है। मैंने देखा कि एंड इस वीडियो को बनाने से पहले आप कुछ प्लानर्स पे काम कर रहे थे, होमवर्क पे काम कर रहे थे, आपने मुझे बुला के पूछा कि भाई ये डिजिटल लाइब्रेरी का स्लॉट खाली किस बच्चे को हम कितने बजे दे देंगे। तो एक चीज़ तो तय है कि आप धमाकेदार प्लानर के साथ एनडीए 1 2024 की तैयारी कराने आ रहे हैं, पर आपको लगता है आज का युवा इतनी पढ़ाई इतनी सारी चीजें कर पाएगा? सर ऑनलाइन का जमाना है, फोन लेते हैं, फोन देखते हैं, फोन देख के पढ़ते हैं। आपको लगता है कि एनडीए 1 2024 के लिए एस्पिरेंट्स पढ़ाई, डिजिटल लाइब्रेरी, स्पोकन इंग्लिश, एसएसबी की गाइडेंस, ये सब कर लेगा? सर ये एक बहुत बड़ी बात कही आपने, तो इसी की वजह से विजन भी पीछे जा रहा है। रिटर्न तो पास हो जाते हैं बट एसएसबी छूट जाती है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है। फोन बहुत बड़ा ड्रिफ्ट है, सोशल मीडिया बहुत बड़ा ड्रिफ्ट है सर, विजन रह नहीं जाता है। टीएटी जब एसएसबी में बोलते हैं तो टीएटी इज प्योर टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन, इमेजिनेशन है ही नहीं उसके पास, क्या करे बेचारा। अब नहीं है सर, हर चीज गूगल है, सब चीजें रट्टा मार करके बैठे हुए हैं, इनको हर एक चीज की टेक्निक पता हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। आप ऐसे देखिए सर कि
पहले के जो क्लास वन ऑफिसर्स होते थे और आज के क्लास वन ऑफिसर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं इसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, किसी को कोई अन्यथा दूसरे तरीके से ना ले, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आपने इंजीनियर्स बनाए, अच्छे इंजीनियर्स, क्या है ये नारायण मूर्ति साहब का स्टेटमेंट था। था कुछ ऐसा। नारायण मूर्ति साहब 2011 में रिटायर्ड हो चुके थे, उन्होंने ऑफिशियली कह दिया था कि मैं अभी आराम करना चाहता हूं और ये युवा पीढ़ी आकर के इसको संभाले इंफोसिस को। क्या ऐसा हो गया था कि दो साल बाद 2013 में इंफोसिस दो साल के अंदर नीचे गिरने लग गई थी, नारायण मूर्ति साहब को दोबारा आना पड़ा और वही टेक केयर कर रहे हैं। क्या हो गया था ये तो दुनिया जानती है कि जब रतन टाटा साहब ने, उनका कोई वारिस नहीं था, सबसे नोबल इंसान जिनको मैं कहता हूँ बिजनेस लाइन के अंदर, उन्होंने ऑप्ट किया सैरस मिस्त्री वगैरह जो है दूसरों को अडॉप्ट करके कि चलो भाई तुम संभालो आकर के, टाटा ग्रुप्स को नहीं संभाल पाए, वापस खुद संभालना पड़ रहा है। क्या वो कम पढ़े लिखे थे? नहीं, सब कुछ था, मगर वो विजन नहीं है अब इनके पास। क्या आपने मेट्रो, मेट्रो आज इंडिया में, मेट्रो इज अ वेरी कॉमन वर्ड, मेट्रो की जब शुरुआत हुई थी बनाने के लिए क्या आपके पास इंजीनियर्स की कमी थी? बुलाया किसको? श्रीधरन साहब को, ई श्रीधरन है, रिटायर हो चुके थे वो, रिटायरमेंट के बाद बुलाया आपने। विजन, पुराने डॉक्टर के पास जाइए आप, वो दूर से खड़े होकर के इलाज बता देगा, ये है बेटा दो गोली खा लेना ठीक है। नए के पास जाइए, उसने एसी लगा रखा होगा, केबिन बहुत बढ़िया शानदार होगा, इमारत थोड़ी और ऊंची होगी, कमरे बढ़िया बढ़िया, वो तो वो कहते हैं कि भैया रूम नहीं है, प्राइवेट वार्ड नहीं है, इट इज़ फाइव स्टार फैसिलिटीज के साथ हमने बनाया है। मगर किया क्या, एक छोटी सी बीमारी दिखाने जाएंगे, पहले अल्ट्रासाउंड करा लो, फिर ये करा लो, फिर ये करा लो, लाख रुपए का बिल पहले, उसके बाद इलाज, वो भी किताबों से देख करके। विजन का फर्क है सर, सिर्फ ट्रू। इस बात से मैं मोटिवेटेड हूँ सर, प्रॉब्लम अब जाके ये आपकी बात से सहमत हूँ एंड आई एम डेड श्योर कि एनडीए 1 2024 को जिसको आप मेंटर करेंगे वो बैच से अच्छे रिजल्ट आएंगे। एस्पिरेंट्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का इंडिया 1 2024 सख्त ऑफलाइन प्रोग्राम है। जी हाँ, ये ऑनलाइन प्रोग्राम सर ने नहीं करने दिया, अदरवाइज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलते हैं, पर इस मॉडल को सर ने पर्सनली मेंटर करने के साथ एक शर्त रखी थी कि इस प्रोग्राम को हम हार्ड कोर ऑफलाइन रखेंगे। हाँ, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग्स देते रहेंगे, हाइब्रिड मॉडल देंगे, लेकिन जो सीरियस हैं सर वो करेंगे ये काम। जो फिर वही हैं अभी भी ये सोच रहे हैं कि नहीं जी पहले रिटर्न, तो फिर वो अपने हिसाब से चलते रहे, उसके लिए कोई मनाही थोड़ी ना है। बहुत लोग हैं, है ना, बहुत लोग। आप ये बताइए सर, रिजल्ट भी तो क्या एनडीए का भी रिजल्ट तो 1% से भी नीचे है सर, 400,000 में से 400 तो वो इतना सीरियस तो मिलता ही है कैंडिडेट आपको। वो सीरियस जो बच्चे हैं वो इस हिसाब से आए, टाइम पास करना है तो घर से करो, फिर बहुत जगह पड़ी है, ऑनलाइन कहीं भी, कहीं कुछ भी करो। ऑनलाइन तो हमारा भी चल रहा है भाई, वही भी कर सकते हो आप, करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सही बात है, क्रिटिसाइज नहीं करना है, बट यस, विद अ न्यू स्ट्रेटजी, विद अ न्यू विजन, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी इज नाउ लॉन्चिंग एनडीए 1 2024 के बैचेस। अगर आप भी फौज में अफसर बनना चाहते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी 1 2024 को पूरी तरीके से क्रैक करना चाहते हैं, तो डिफेंस एस्पिरेंट्स आएँ, इस बैच को ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने से पहले ऑफिस विजिट करें और कैप्टन साहब से बात करें, क्योंकि बात करके आपको भरोसा होगा, जैसे मेरे को हुआ है वैसे आपको भी भरोसा होगा। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि आप सारे सवाल लेकर के आइए, आपके पास क्वेश्चंस अच्छे होने चाहिए। आप इंक्वायरी जब करने निकलते हैं तो सिर्फ फीस पीछने के लिए मत निकलिए इंक्वायरी करने का मतलब, आप जब इंक्वायरी करने निकले तो कम से कम 10 सवाल आपके दिमाग में होने चाहिए कि मैं अगले के सामने बैठूंगा, ये सवाल मेरे होंगे, मैं पूछूंगा। सही बात है सर, दैट शोज द सीरियसनेस। ये प्रोग्राम अलाहाबाद के साथ साथ हम देहरादून में भी लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि सर कुछ समय देहरादून में भी देंगे। तो एस्पिरेंट्स, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो अलाहाबाद, देहरादून एवं दिल्ली तीनों ब्रांचेस में एनडीए 1 2024 के बैचेस का एडमिशन आज से ओपन हो गया है। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस अकेडमी के साथ, अगर कोई डाउट होता है तो नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे बात करें। थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।